द ड्रीम अचीवर्स डांस अकादमी का शुभारंभ निकट मिशन हॉस्पिटल स्मार्ट पॉइंट के ऊपरी मंजिल में धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग भी यहां पहुंचे। विशेष रूप से द ड्रीम अचीवर्स डांस अकादमी का शुभारंभ के अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में नव निर्वाचित पालिकाध्यक्ष श्रीमती बसला अग्रवाल कार्यक्रम में। एकेडमी के संचालकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद पालिका अध्यक्ष ने फीता काटकर डांस अकादमी का शुभारंभ किया। अकादमी के संचालकों की अगर बात की जाए तो इनका पूरा ग्रुप नवनीत वर्मा, पुष्पा नागर, आशु, मुस्कान चरण, संजीव बाथम आदि पहले से ही डांस की दुनिया में धमाल मचाए हुए हैं, जिसमें से चर्चित युवा डांसर पुष्पा नागर बीते दिनों मुंबई में सोनी टीवी के रियलिटी शो में भी अपना जलवा बिखेर कर काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। अपनी पहचान और मेहनत के बल पर आज इन लोगों ने फर्रुखाबाद में द ड्रीम अचीवर्स डांस अकादमी के नाम से शहर के बच्चों को एक अच्छी प्रतिभा सिखाने के लिए शुभारंभ किया है, जो कि इन सभी का एक पुराना सपना था। बच्चों ने एक एकेडमी खोली है, क्या कैसा लग रहा है आपका? सच बताओ, मुझे यहाँ की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे फर्रुखाबाद शहर जो है विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आज जैसे बच्चों से मैंने पूछा, हमारे शहर का एक बच्चा इंडियन आइडल में भी पहुँचा और आगे अभी और भी बच्चे सीखेंगे तो यहाँ और हमारे शहर के जो बच्चे हैं देश में नाम करेंगे। हमारे फर्रुखाबाद का जो बच्चा है यहाँ पे सीख के, जैसा मुझे यहाँ पे अभी तक समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे और भी बच्चों को अपनी प्रतिभा उनको दिखाएंगे सिखाएंगे तो हमारे शहर का बहुत कुछ नाम होएगा। और मैं इसी के साथ साथ इन बच्चों को बहुत आशीर्वाद अपना देती हूँ कि इतना अच्छा प्रशिक्षण दे बच्चों को उनकी रुचि के हिसाब से, कि मान लीजिए किसी को कथक में इंटरेस्ट है तो उसका देखे कि किस चीज़ में किस बच्चे को इंटरेस्ट है, उसमें उनका बढ़ावा दे और अपने देश शहर का नाम रोशन करे। पढ़ाई के साथ साथ डांस है, खेलकूद है, बताया जाता है कि इसको भी जरूरी होता है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पढ़ाई एक छोटे बच्चों बड़ों बच्चों के लिए पढ़ाई तो मतलब सबसे प्रायोरिटी पढ़ाई होती है, लेकिन आजकल जो है मल्टीपर्पज़ बच्चे चल रहे हैं, हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना है। खाली ऐसा नहीं कि खाली बच्चे पढ़ाई में ही हैं, अब हमारे देखिए कितना देश का विदेश में भी बच्चे नाम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, आपके शहर की चेयरमैन भी लेडी है, इसलिए मैं ये और बच्चों से भी अपेक्षा करूंगी इतना खाली पढ़ाई में भी अपना फोकस रखें और इसके अलावा उनकी जो भी रुचियाँ हैं उस पर ज़रूर वो फोकस करके आगे बढ़े। कैसा लग रहा है एकेडमी ओपनिंग हो गया? अच्छा है, सोचा था हमने कि ऐसा कुछ स्टूडियो बनेगा, पहले नहीं था मेरे पास, पहले भी मैंने बताया था क्योंकि हमारे पास नहीं था ऐसा कुछ जो हम कर पाए। अभी हमने जो बनाया वो ऐसा बनाया कि जो आसपास है और जो पूरे मुंबई जाते हैं सीखने के लिए, आप बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में जाते हैं सीखने के लिए, तो हम जो बाहर सीखने वाली चीज़ें बाहर की चीज़ें फर्रुखाबाद में, और फर्रुखाबाद में वो चीज़ है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। और हम खुद है प्रोफेशनली टीचर्स हैं जो हम आपको ऐसा ट्रेनिंग देंगे, जो जिन लोगों को करना है जैसे रियलिटी शोज करना है, सबका एक कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि हमको रियलिटी शो में जाना है, तो हम वो ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे फर्रुखाबाद में, जिसको हम बच्चे हम बच्चों को रेडी करेंगे, प्रोफेशनली ट्रेनिंग देंगे, कोर्स करेंगे, बेसिक एडवांस इंटरमीडियट सारी चीज़ें कराएंगे। और हमने तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तरीका, तो हम लोगों ने आज ओपनिंग किया, इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है कि पूछो मत कि ऐसा लग रहा है कि हमारा ही है या नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ बनाएंगे तो फाइनली
आ गया फरुखाबाद की पब्लिक और आसपास की पब्लिक, आ जाओ मजे करके साथ हुई है। कैसा लग रहा है और क्या क्या सुविधा रहेगी यहाँ पे बच्चों के? बहुत टाइम से वेट किया है, 3 साल हम लोगों ने इसकी प्लानिंग करी और वेट किया है, कुछ पढ़ी लिया, हम लोगों का ड्रीम पूरा हुआ है कि हम लोगों ने फरुखाबाद का एक ऐसा स्टूडियो खोला जहाँ पे हम सब कुछ एक ही जगह पर सब कुछ प्रोवाइड कर सकें, और बहुत एक्साइटेड हमारी टीम, बहुत मेहनत करेंगे हम और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। हम इवेंट्स भी करते हैं डांस के साथ साथ, और इसमें हम बर्थडे सेलिब्रेशन आपके मैनेज करेंगे, आपके डेकोरेशन वगैरह भी मैनेज करेंगे, डांस की कोरियोग्राफी तो हम करते ही हैं, ये सारी इसीलिए हमने अपने स्टूडियो को वन स्टॉप स्टूडियो बना दिया। क्या टाइमिंग क्या रहेगी आपके यहाँ पे जो स्टूडेंट आएंगे, क्या सिस्टम रहेगा? पहले हमारे पास खुद का प्लेस नहीं था तो टाइम का इशू रहता था, अब हमारे पास खुद का प्लेस है तो ऑब्वियसली टाइम का कोई इशू नहीं है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, 9 बजे तक दिन भर बैठ चलेंगे, कोई इशू नहीं। डांस की अगर बात कर लें तो बच्चों को ही या जो पेरेंट्स होंगे उनके लिए भी? नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए, इसीलिए एज बाउंडेशन कुछ भी नहीं, 6 साल के बच्चे से लेकर 65-70 साल जब तक उसमें जा रहा है, जब तक उसकी इच्छा है डांस करने की तब तक वो डांस करेगा, तब तक वो हमारे पास आएगा, तब तक उसको नचाएगा। क्योंकि आजकल लगता है कि खुश रहने के लिए कहते हैं कि डांस करना और कोई भी ना कोई एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ही सिखाएंगे? जी जी, हम सिखाएंगे।